हेलो मेरे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लुसाई क्लासेस में। अब हम आपको आप लोगों को मैंने बताया कि अब ऐसे वीडियो में बनाऊंगा, एक क्वेश्चन आपका रहेगा, एक वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा, 5 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन आपका नहीं होगा, कभी कभी एक आधे मिनट इधर उधर हो सकते हैं। तो वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है, एक ठोस है जो शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो आपका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपका किस पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर, तो ये आपका अर्धगोला बन गया। अब ये जो है शंकु किस पर है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो उसके ऊपर हम लोग एक शंकु बना देंगे। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो लिखेंगे यहाँ अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ, अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ बराबर है शंकु के वक्रपृष्ठ के, शंकु के वक्रपृष्ठ के, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये होता है 2πr² और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πr(l) होता है, कितना होता है, πr(l) होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर पाई से आपका पाई क्लास हो जाएगा, आर से आपका ये आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप क्या क्या बचा, एल बराबर आपका 2r हो गया। अब आपको निकालना है त्रिज्या और ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात आपको निकालना है। तो एल बराबर ये निकला, ये आपकी त्रिज्या ऊंचाई होती है। अब आपको निकालना क्या है, एच निकालना है। एच के लिए सूत्र क्या होगा, L² - r² ये सूत्र होता है आपका। अब यहाँ से L का मान आपका 2R है, तो 2R² - r² हो जाएगा। अब फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दुनी 4R² - r² तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3R². अब यहाँ से आप बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, √3R हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू निकली किसकी, H की, √3R निकल गई, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपको जो है इसका अनुपात निकाल लेना है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे हम, एल और आर से। तो यहाँ देखिए एल की जगह पर आपने ये 2R रखा है और वहाँ से आपने इसको निकाला है, तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे आप, अब देखिए यहाँ पर ये एच के पद में आ गया, तो यहाँ पर आप जब अनुपात निकालोगे तो एच एच अपान अगर हम आर कर दें तो आपका √3, और ये आर आपका नीचे आ गया, ये 1 हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो आपको बनेगा, H:R = √3:1। तो ये त्रिज्या और ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो R:H = हो जाएगा 1:√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।